चलो ओके, दिस इज सोया। ये सोया है जी, और ये हमने इसमें डाल के आज हम इसको भिगोएंगे और सुबह हम इसको पकाएंगे, ठीक है ना? Okay. तो फिर ये हमने भी पहले नहीं खाया हुआ, स्टे विद अस। में पहली दफा। हाँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसा है इसका ये बना। बिल्कुल लग रहा है पत्थर है। तरह तरह लेकिन सोया बड़ा अच्छा होता है, बड़ी अच्छी। हाँ, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, बट इट इज वेरी हैवी आल्सो। ये जी, रात को जो लोबिया भिगोया था, सुबह कुछ उसकी ये शक्ल निकल आई है। ये तो अच्छा खासा बड़ा हो गया। और किचन में ये है सूरत हाल के, गोश्त निकाल के रखा हुआ है रानी ने, प्याज कटिंग हो गई है, थिंक इधर अदरक लहसुन भी तैयार है, खाना बनने वाला है। लेकिन मैं अगर आप देखती हूँ कि ये लोबिया कैसे बने। रानी जी, बट ये जरा बताइए ना लोबिया का, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन देखो कितना फूल गया ये जी, है ना जी। और हमने इतना थोड़ा व्यूअर्स, हमने ये इतना थोड़ा इसलिए भिगोया था क्योंकि अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि ये कैसे बनाए। कैसे बनाए? चने की तरह बनाएंगे, जैसे चने बनाते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब के कुछ बता दो, फिर फाइनल लुक दिखा देंगे। इसमें मसाला वगैरह डालेंगे, ठीक है, तो इसको पानी में थोड़ा सा भिगो के ऊपर रखेंगे, प्रेशर लगाएंगे थोड़ी देर, ठीक है, तो गल जाएगा, तो इसको भूनेंगे और पानी डालेंगे थोड़ा सा, देखेंगे क्या बन रहा है, और थोड़ा ग्रेवी वाला बनाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो आज फ्राइडे है और मेरी छुट्टी है, और मैंने जैसा कि आपको दिखाया है कि हमने ये बीन्स हैं जो कि कुछ अनयूजुअल से बीन्स हैं, मुझे इनके नाम भी नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो बताइए कि ये कौन से बीन्स हैं। और इनको हमने रात को भिगोया था, अब ये काफी बड़े बड़े फूल के हो गए हैं, लेकिन हमने बहुत थोड़े से भिगोए थे, लाइक आधा कप। और ये अभी ना रानी बनाएगी, हमें तो इसकी रेसिपी नहीं पता है, लेकिन वो कुछ ग्रेवी वाली करके बनाएगी। अगर आपको इसकी कोई रेसिपी पता है तो हमें बताएं, है ना, हम उनका नाम लेके उनकी रेसिपी को फॉलो करेंगे, तैयार करके दिखाएंगे यदि हमारी जो कौन सी ऐसी व्यूअर हैं जिन्होंने हमें ये रेसिपी भेजी। जितनी रेसिपीज आपको आती हैं सब प्लीज हमें भेजें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें भेजें। तो अभी साथ ही मेरे ख्याल में रानी बनाने की तैयारी कर रही है आलू गोश्त और चावल। रानी मुझे चावल बॉयल कर देना, ठीक है, उसमें थोड़े से मूंग की दाल भी डाल देना, ठीक है। तो यहाँ तो बनने लगा है खाना, और हम चल कर देखते हैं कि सब्जियों की क्या प्रोग्रेस है। अच्छा जी, रानी ने तो साफ इनकार कर दिया है ऊपर चढ़ने से, मैं और ड्राइवर साहब जो हैं वो हम ऊपर आ गए हैं, और देखते हैं कि सब्जियों का क्या बना हुआ है। पालक, पालक भी हमारी काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल में महीने तक तैयार हो जाएगी, बड़ी प्यारी, ये अक्टूबर का महीना सारे निकले। ये दूसरा गमला भी पालक का है, और ये है, ये क्या है? मेथरे। अच्छा वाह, ये तो बहुत ही अच्छे हो गए हैं, शानदार। ये छोटी वो जो ये मेथी है, हाँ जी, और ये है वो अपना चुकंदर। चुकंदर, चुकंदर के अगर आप नोट करें तो ये छोटे छोटे काफी सारे लगाते हैं, हाँ जी, क्योंकि ये बहुत बारीक होता है बीज। ये मूली वो जो रेड कलर की है, हमें मिर्चों का था कि मिर्चें नहीं निकली, लेकिन मिर्चें भी निकल आई हैं, माशाल्लाह काफी निकली है। ये शिमला की मिर्च है, ये शिमला मिर्च है, ये लंबी वाली मिर्च है, और ये जो दूसरी वाली आम हांडी में डालने वाली मिर्चें होती हैं लंबी मिर्चें, ये भी निकल आई हैं। हाँ जी, ये देखो बहुत ज्यादा है, ये तो मेरे ख्याल में महीने तक सब्जी हमारी उतरनी है, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो जाएगी। ये जो नहीं पालक जी, ये अगला महीना ले जाएगी। अच्छा। और वो नहीं क्या नाम है मेथरे, हाँ। ये जल्दी ले आएगी, ये महीने, ये अक्टूबर के महीने में लेना, हाँ। ये एक मरतबा हम खा लेंगे बस, ये इंशाल्लाह अगले महीने इसके मैं आप लोगों को बेसन में डाल के पराठे बनाएंगे मिल के और इंजॉय करेंगे। और ये नवंबर के महीने में ये मेथरी भी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। बड़ी धूप है, फिर चलते हैं नीचे, लेट्स गो। सिंस कि मैं बिजी होती हूँ तो बहुत अरसे से ये वाली चीजें तो मैंने देखी ही नहीं, हाँ जी, है ना, तो ये तो मेरे ख्याल में हमने ड्राई क्लीन करवा ली है,
ये बिल्कुल ये ड्राई क्लीन की अभी उससे खुले ही नहीं है, बट मैं दिखा देती हूँ कि ये इस तरह के हैं, मैट्स हैं। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 मैट्स होने चाहिए। 8वां मैट किधर है? खोल लेते हैं क्योंकि पूरा सेट है। 12 का नहीं, 8 का, क्योंकि ये देखो ना 3 कुर्सियां ये है, 3, 6 तो ये 8 का सेट है। और ये मुझे इसका कलर अच्छा लगा था। वैसे भी घर में नॉर्मल जरूरी नहीं है कि आप डिनर शिनर में या दावत में ही निकालें, लेकिन बंदे का दिल चाहता है कि यार कुछ कुछ अरसे के बाद इसको हम चेंज कर लिया करें ना। कितने हो गए? 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये पूरे 8 हो गए। और ये मुझे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल अच्छा वैसे ड्राई क्लीन नहीं किया, क्योंकि ये दाग अभी यहाँ पर बाकी है। लेकिन खैर, लाइट्स ऑन करें ना। लाइट आई ठीक है। और एक फिर सेट ये है, ये भी अलग कर लेते हैं। 2, 3 ये इसके बीच की जो टेपेस्ट्री टाइप होती है ना, मतलब पूरे टेबल पे ये इस तरह की। थोड़ी सी इसको भी इस्त्री विस्त्री करवाते हैं, लेकिन ये साफ है, इसको धोने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गए इसके नैपकिन्स, ठीक है ना। हाँ, तो ये इस तरह है कि ये एक सेंटर का है और एक जो है मेरे ख्याल में 2, 3, 4 हाँ 4, 5 तो होने ही चाहिए। अच्छा, ये पूरी टेबल शीट है, देखिए ये चाइनीज है। ये पूरे के पूरे डाइनिंग टेबल के ऊपर आती है, और डाइनिंग टेबल के ऊपर इसको आप एक दफ़ा बिछा दें तो उसके ऊपर फिर आप प्लास्टिक का जो ट्रांसपेरेंट टैल्क है ना वो बिछा दें तो देखिए ये कितना खूबसूरत है। ये इसको क्लोज अप दिखा दें, ये देखें। ये मेरी अम्मी ने मुझे दिया था जहेज में, और ये चाइनीज़ है, और ये सारा हाथ का क्रॉस स्टिच है इसके ऊपर, और ये बहुत गंदा हुआ हुआ है तो ये तो हम वॉश करने के लिए दे देंगे। हाँ। क्योंकि इसके ऊपर ये सारे दाग शाग लगे हैं। हाँ जी, ये एक दफ़ा अच्छी तरह से धुल जाएगा। हाँ, तो फिर हम ये उठा के ना मैट्स तो हम ये बिछा देंगे, ठीक है ना। इसी तरह एक और ये मैंने बनवाया हुआ था, ये भी बहुत खूबसूरत टेबल मैट है, और इसका इतनी अच्छी कढ़ाई है ना, ये देखिए, ये देखिए। तो ये तो लॉन के टेबल पे, ये किसी छोटे टेबल पे अगर आपने चाय सर्व करनी हो तो आप उस वक्त जब मेहमान आए हो तो डाल लें। बट आई लव दीज कलर्स, ये देखिए कितने अच्छे इसके कलर्स हैं, फ्लावर्स हैं, और इसके ऊपर थोड़े से फ्लावर्स रखे हुए हो। अच्छी सी क्रॉकरी में आप चाय वगैरह सैंडविच वगैरह के साथ किसी छुट्टी वाले दिन बाहर, जैसे ऊपर का टेबल है, बाहर आपने ये बिछाया हुआ हो और साथ आपने चाय शाय सर्व की हुई हो तो बहुत मज़ा आता है। इस तरह की मैंने कलेक्शन रखी हुई है। तो ये साफ है ना जी, ये आप तय कर दें। मैं तो देख रही हूँ जो गंदे अब ये तो धुलेगा। फिर उसके बाद ये मैंने कुछ इस तरह के रखे हुए हैं, जिससे मतलब जिस तरह अगर आपने अपने नैपकिनस वगैरह अगर करने हैं डेकोरेट तो ये डाल के तो आप अपनी प्लेट के साथ रख सकते हैं। तो ये देखिए ना, ये बीड्स के साथ ये बना हुआ है, और ये मैं छोटी छोटी इस तरह की चीज़ें खरीदती रहती हूँ ताकि जब कोई खाना शाना किसी को दिया हुआ हो तो फिर टेबल के ऊपर एक रौनक सी बन जाती है, और खाना भी सजा हुआ अच्छा लगता है, लेकिन साथ टेबल भी सजाया हुआ बहुत अच्छा लगता है। कुछ ये मैट्स हैं, ये भी मैं किचन में ले जाऊँगी तेजकी उठाने के लिए या इसके ऊपर कोई गर्म चीज़ रखने के लिए। ये किचन मैट्स हैं, और ये मैं भूली हुई थी, ये भी मैंने एक शॉप से लिया था, मेरे ख्याल में ये मैंने अल फतेह से लिया था सेंटोरस के। तो ये भी अभी मैं निकाल के रखूँगी। ये सारे नैपकिन धुलने वाले हैं, इनको धोने के लिए दे देंगे। ये कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट सी हैं जो जिनमें अभी हमने पाइपिंग मैंने लगवानी थी, ये जिस तरह ये देखें ये ट्रे वगैरह के लिए है, और ये मुझे किसी ने हाथ से एम्ब्रॉयडरी करके दिया था। तो ये ट्रे मैट्स वगैरह हैं, इनको भी मैं कोई अच्छी सी मल्टी कलर्ड कोई इस किनारे पे इसकी लेस या पीको वगैरह करवा के तो ये भी फिर हम यूज़ कर सकते हैं।
तो इसलिए ये तो नए हैं और ये साफ हैं, इनको धोने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये इसके साथ का पूरा ये सेट है, यानी ये टेबल के ऊपर बिछाने वाला पूरा ये टेबल मैट है, और इसके साथ फिर ये कुछ नैपकिन और कुछ ट्रे के ऊपर लगाने के लिए हैं। तो ये हो गया। और मेरे पास बेशुमार चीज़ें थी जो कि अभी मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन वो मैं ढूंढूंगी। जिस तरह से ये छोटे छोटे नैपकिन्स हैं, इस तरह से इसकी ट्रे का भी था। और ये तो फिर खैर नॉर्मल यूज़ के लिए नैपकिन्स वगैरह हैं, कि अगर आपने ये सादे नैपकिन है, कोई डिनर विनर दिया हुआ है तो ये भी साफ़ है। और ये इतने सारे नैपकिन जो जमा हुए हुए हैं ना, ये अगर आप पिज्जा मंगवाएं ना पिज्जा हट का, तो वो भेज देते हैं ये जमा किए हुए हैं, लेकिन ये है डिस्पोजेबल, जब यूज करें तो फिर फेंक दें, इसको धो के रखने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीजें थी जो मैंने आपको दिखाई हैं, और मैं और हम दोनों मिल के अभी अलमारियों में सेट कर लेंगे, और जो धोने वाली चीजें हैं वो निकाल के धुलवा के इसी करके रख लेंगे, जो सही है उनको हम वैसे रख लेंगे। तो ये अभी आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि रात के खाने पे सर्व होने लगा है वो लोबिया। हाँ जी, और आलू गोश्त। हाँ जी, तो स्टे विद अस। तो बस यहाँ पर हमने धोने के वाले जो चीज़ें थी वो अलग कर दी हैं, और बाकियों के हमने नाइस नीट सी एक ढेरी सी बना दी है, और वो उसको हमने अपनी कबर्ड में रख दी है। ये मैंने धुलवा के अभी बाकी जो डेकोरेशन का सामान है वो तो अभी बन रहा है, और वो साथ साथ हम आपको दिखा देंगे, लेकिन मैंने ये सारा करवा दिया है। ये गद्दियाँ बिल्कुल वॉश्ड हैं और साफ है, दे आर ऑल क्लीन। ये आप देखिए साफ़ सुथरी हो गई हैं। और ये जो अम्ब्रेला है ऊपर, इसको भी हमने धुलवा के बिल्कुल साफ कर दिया है। तो अब शाम को बड़ा अच्छा मौसम हो जाता है, तो आज शाम को मेरा दिल है कि मैं यहाँ पर बैठकर चाय पीऊँ। तो घर की काफ़ी सारी मैनेजमेंट तो हो गई है, जैसे कि डाइनिंग रूम की अलमारी या वगैरह, काफ़ी अरसे से उनको मैंने खोल अरेंज नहीं किया था, वो हो गया है। खाने का भी बंदोबस्त अभी हो रहा है, अभी मुजीब आएंगे तो फिर हम मिल के करेंगे डिनर। तो स्टे विद अस। तो जी आलू गोश्त मज़ेदार यमी सा तैयार है। ये भी मतलब सोयाबीन बीन ही है, लोबिया ही है। तो हमने तो ऐसे करके कुछ थोड़ा ग्रेवी सी वाला रखा है उसके साथ, चावलों के साथ ना। बस अभी खाते हैं फिर बताते हैं कि कैसा टेस्ट हुआ है ना रानी। हाँ जी, हाँ जी, चलो देखते हैं। देखो कितना खूबसूरत हो गया यार। जी जनाब, ये जो कुर्सी है ना, इधर प्लांट्स ले आते हैं। यू राइट, थोड़ा सा इसको ऊपर से करवाएं ना, पेंट शेंट करवा देते हैं। हाँ। और ये वाली पट्टी जो है इसके ऊपर डिस्टेम्पर करवा लें और गमले ले आए। हाँ। जब वो बन जाएंगी चीजें तो वो इंस्टॉल करा देंगे। हाँ ठीक है, आई थिंक दैट इज अ गुड आइडिया, है ना। चलो ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने कहा कि मैं ये आपको बीन्स खाकर बताती हूँ कि ये कैसे हैं। और आज मैं अकेली खाना खा रही हूँ, क्योंकि मुजीब का खाना है जी बाहर। और ये उबले हुए चावल हैं जिसमें थोड़ी सी मूंग की दाल भी है, और इसमें डाला हमने ये लोबिया, और इसको मैं खा के देखती हूँ ये कैसा बना हुआ है। है तो बहुत मज़े का, और जो नॉर्मल लोबिया है तकरीबन वैसा ही इसका टेस्ट है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। अभी मैं जिम से भी हो आई हूँ, खाना भी खा लिया है। तो बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखें, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। टिल नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।